स कैसे हैं आप उम्मीद खैरियत से होंगे खुशबात होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैं जो है ना अपने पूरे किचन को मेक ओवर कर दूंगी चेंज कर दूँगी सारा लुक काउंटर टॉप का डीप क्लीनिंग करूंगी थोड़ी सी बहुत टाइम हो गया डीप क्लीनिंग नहीं की उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ भी मिलेंगे और मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगी काम जो है ना मैंने रात से स्टार्ट किया था उससे पहले जो है ना मुझे खाना बनाना था और फिर इसके बाद जो है ना काम स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि सब्ज़ियाँ भी जो है ना मेरे घर में बन रही होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करती हूँ तो सब्ज़ियाँ मेरे घर में नहीं बनती हैं मेरे घर में भी सब्ज़ियाँ बनती हैं तो आलू गोभी बना रही थी और अभी जो है ना मैं बहुत लेट हो गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि सुबह से गैस वाले मामला जो है ना वो चल रहे थे तो जैसे ही गैस आया ना तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा देर लगती नहीं है और आपको पता है जब हम किचन में घुस जाते हैं ना तो हमें जो है ना खाना बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती ज़्यादा टाइम नहीं लगता जल्दी जल्दी झटपट जल्द बन जाता है तो बस ये मैंने इसके अंदर मसाले और टमाटर वग़ैरह सब डाल दिया सो थोड़ा सा गोभी को, को जो है ना मैंने ऑयल में आलू के साथ सोते किया फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्चें और लाल मिर्च का पाउडर नमक हल्दी ये सब डाल के इसको भूनने के लिए छोड़ दिया और तीन से चार मिनट में मेरा ये काम हो गया था अब ये भूनती रहेगी मैं आपको दिखाती हूँ अपने कुछ आ, मैंने अपना पार्सल मंगवाया था दराज से कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं किचन के मेक के लिए तो जाहिर है जब तक आप खर्चा नहीं करते तब तक आपको अपनी पसंद का काम नहीं मिलता है तो मैं तकरीबन आप समझ लें दो महीने से ये चीज़ें जमा कर रही थी तरह से जो मैंने चीज़ें मंगवाई हैं वो तो तकरीबन मैंने एक महीने के अंदर ही मंगवाई थी लेकिन इसके अलावा भी और भी मैंने ख़रीदारी की थी अपने किचन के लिए जो कि मैं हर साल करती रहती हूँ अब यहाँ पर ये स्टिकर्स हैं ये मैंने मंगवाए तो थे लेकिन जब मैंने इसका पार्सल खोला ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और ये मैंने मंगवाए थे ढाई सौ रुपये के बारह आए थे और इसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे थे क्योंकि एक एक की जो ऑफर चल रही थी ना वन, -वन की जो ऑफर चल रही थी उसमें किसी किसी प्रोडक्ट में जो है ना डिलीवरी नहीं थी फ्री डिलीवरी मिल रहा था आपको तो ये नोजल्स भी मैंने मंगवा लिए थे क्योंकि मैंने आपको ये बॉटल दिखाए थे जो जूस के बॉटल्स थे वो मैंने संभाल के रखने थे और संभाल के तो क्या रखने थे वो मैंने लिए इसी पर्पज़ से थे कि मुझे ये जो है ना इस काम में लेने थे अब मुझे बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं चाहिए थे वो मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कि मुझे अब बड़े वाले क्यों नहीं चाहिए थे लेकिन अभी जो है ना फिलहाल मेरी बॉटल इतनी खूबसूरत लग रही थी इतनी प्यारी लग रही थी और वो भी सिर्फ मेरे नोजल का खर्चा हुआ था नोजल मुझे पड़े थे एक के दो तो आप समझ लीजिए दो में मेरी ये खूबसूरत सी बॉटल्स तैयार हो गई और मैंने जो है ना ये बॉटल्स को जो स्टिकर है उतारने का तरीका अभी आप पिछला वीडियो जो आपने क्लिप देखा उसमें बता दिया गर्म पानी में बॉटल्स को भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए तो ये स्टिकर्स जो है ना बहुत आसानी से उतर जाते हैं फिर इसके बाद आता है ये वाला प्रोडक्ट तो ये है एक स्टैंड इसको आप स्टैंड भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किचन में और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इसको परचेज करूँ लेकिन बस यही होता है ना कि जब आपका बजट बनता है ना उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं तो मैं जो है ना नोच सोच के सारी चीज़ें जो है ना जमा कर रही थी कि एक साथ जो है ना मेक ओवर करूँगी तो वो ज़रा थोड़ा सा लुक भी आएगा और निकल के आएगा तो बस ये एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था मैंने ये मैंने तकरीबन ख़रीदा था नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन का या वन थाउजेंड रुपीज़ आप समझ लें वन थाउजेंड का मैंने इसको ख़रीदा है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है बहुत अच्छा निकला है ये एक प्रोडक्ट की मुझे किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कभी कभी क्या होता है कि फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना तो ज़्यादातर तो गर्मियों में फ्रूट्स जो हैं वो फ्रिज में रखा जाता है लेकिन कोई कोई फ्रूट्स है जो ऐसे होते हैं ना कि जो जिनको बाहर रखना होता है तो मुझे फ्रूट्स ऑर्गेनाइज़र या आप समझ लें कि एक बास्केट टाइप चाहिए था वो मैंने मंगवाया था तो ये भी मुझे हथ थाउजेंड का ही पड़ा था फिर मैंने जो है ना रात में ही कुछ ड्रॉर्स की जो मुझे रीसेट करने थे वो मैंने रीसेट कर लिए थे अंदर से क्योंकि उनकी डीप क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किचन का काम डीप क्लीनिंग वाला स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैंने रात से ही ये काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इसमें जो है ना चीज़ों को निकाल के फिर दोबारा से सफाई करनी होती है फिर मैंने जो है ना ये सारी जो मेरी कटलरी की ट्रे वग़ैरह थी ये सब भी मैंने निकाल के इसको अच्छी तरह से वॉश किया दोबारा से लगाया सारी कटलरी सेट की नीचे की जो सेटिंग थी उसको दोबारा से चेंज किया है इसके अंदर मैं पहले बॉक्सेज वगैरह रखती थी कंटेनर्स वगैरह रखती थी वो सब निकाल के और सारी कटलरी जो थी वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है ताकि मुझे सारी चीज़ें सारे जो मेरे ये कटलरी रखी हुई है जितने भी बड़े छोटे मेरे साइज़ के जो स्पेक्चुलस वग़ैरह हैं वो सब एक जगह पे मुझे मिल जाएँ तो ये सारी चीज़ें सेट की और फिर इसके बाद जो है ना मैंने रात ही रात में ये कैबिनेट भी जो है ना साफ करके और इसको मैंने चेंज कर देना था इसका पूरा लुक चेंज कर दूंगी कैबिनेट का क्योंकि ये जो है ना सिल्वर के डब्बे एक डब्बा जो है ना चीनी का है एक डब्बा चावल का है उसको मैंने निकाल देना है रिमूव कर देना है यहाँ से और इसकी जगह पर मुझे ये डब्बे लेकर आ जाने हैं ये डब्बे में लेकर आई थी तकरीबन आप समझ लें डेढ़ से दो महीने पहले और ये रखे रखे मेरे पास टाइम हो गया इसको काफ़ी मैंने बहुत इंतज़ार किया इनको यूज़ करने के लिए क्योंकि मुझे सारा वीडियो जो है ना वो एक साथ आपके साथ शेयर करना था और सारा मेकओवर एक साथ शेयर करना था तो इस वजह से मैंने काफ़ी इंतज़ार किया अब ये वाले जो डब्बे हैं ना ये मैंने दराज से परचेज़ नहीं किए हैं ये कंटेनर कह लें डब्बे कह लें जो भी कह लें ये मैंने परचेज़ किए थे लोकल मार्केट से और मॉल में मैंने इनको देखा था लेकिन मॉल में बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और फिर जब मैं किसी दिन मार्केट गई थी ना तो मुझे ये नज़र आए और जब नज़र आए ना तो बस आपको पता है कि लेडीज़ का क्या होता है जब उनके दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है और उनको पसंद आ जाती है और कम कीमत में उनको मिल जाए ना तो फिर तो वो छोड़ती ही नहीं है तो मुझे ये सेवन सेवन हंड्रेड के मिल गए थे और मॉल में मैंने इसको देखा था तकरीबन आप समझ लें बारह सौ रुपये का एक पीस पड़ रहा था तो और मैंने दराज पर भी इसको चेक किया ना तो दराज पर ये थाउजेंड रुपीज़ से कम में नहीं थे कहीं पर भी और डिलीवरी भी ठीक ठाक लग रही थी तो फिर मैंने क्या किया मैंने ये लोकल मार्केट से जब मुझे दिख गए तो मैंने सोचा कि जब दिख गए ना तो समीना पहले खरीद लो इनको कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम दोबारा आओ तो तुम्हें मिले ही ना मैं गई थी अपने कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए और मैं डब्बे ये कंटेनर ख़रीद कर आ गई तो खैर एक में मैंने सेला चावल डाले दूसरे में मैंने जो घर में इस्तेमाल करने वाले जो चावल होते हैं ना बासमती चावल वो डाले ताकि जब मुझे चावल चाहिए होते हैं ना तो मुझे बच्चों को आवाज़ लगानी पड़ती है मुझे तीन कप चावल निकाल दो मुझे चार कप चावल निकाल दो अब मुझे वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप जब किचन में काम कर रहे होते हैं और आपको डिस्टर्ब होना पड़ता है ना तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है आपके काम में थोड़ा सा खलल पड़ जाता है और ये वाले जो छोटे वाले डब्बे हैं ना ये मैंने ख़रीदे थे चीनी और खिचड़ी वगैरह के लिए तो एक में तो मैं चीनी डाल दूँगी जो कि मेरी तकरीबन तकरीबन ख़त्म है मेरे पास बस ये दो पैकेट्स बचे थे वो मैंने इसमें उंडेल दिए हैं और खिचड़ी का जो है ना मैंने मंगवा के रखा था चावल और दाल दोनों तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि अभी जो है ना तकरीबन आप समझ लें लास्ट डेट्स चल रही हैं तो ग्रॉसरी का भी यही हाल हुआ हुआ है कि बस एंड टू एंड वाला टाइम आ गया है तो बस अभी मैंने ये जो खिचड़ी के चावल और खिचड़ी की दाल थी वो भी मिक्स करके रख दिए अब मुझे जो है ना बहुत इजी हो जाएगा और ये इतने इसके जो टायर्स हैं ना काम के हैं कि ये आराम से ख़ुद चल के मेरे पास आ रहे हैं बस मुझे एक इशारा देना पड़ रहा है ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही है बहुत जो है ना कमाल की चीज़ मिल गई है काफ़ी देर तक खेलने के बाद मैंने जो है ना इसकी सेटिंग की <laughs> क्योंकि आपको जब कोई नई चीज़ मिल जाती है और आपको पसंद भी आती है ना तो आप उसके साथ काफ़ी देर तक खेल लेते हैं तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ था सिक्सटीन एल लेकिन ये सिक्सटीन एल यानी सिक्सटीन लीटर का आप समझ लें अगर लीटर और किलोग्राम में देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें तकरीबन तकरीबन दस किलो से ज़्यादा नहीं आया चावल तो खैर ठीक है सही है कोई बात नहीं इतना झूठ चलता है लेकिन कहना नहीं चाहिए सबसे पहले जो है ना सारा काम जो मेरे रीसेट करने वाले कैबिनेट्स थे उनको करने के बाद जो है ना मैंने क्या किया मैंने स्पाइस वाला जो मेरा कैबिनेट है ना उसको मैंने पूरा खाली किया और सारे मेरे जितने भी स्पाइस के जो जार्स वगैरह थे उन सबको वॉश कर दिया कुछ मुझे इसमें से जो है ना जिनके कलर्स वगैरह उतर गए थे आपको पता है एक साल हो गया था मुझे इसको जो इस्प्रे किया हुआ और जाहिर है हम बीच में इनको साफ़ भी करते हैं धो भी लेते हैं तो ये इस्प्रे उतर जाना था कहीं से उतर गया था कहीं से लगा हुआ था और कुछ मुझे जो है ना नए जार्स भी इंक्लूड करने थे पुराने हटाकर तो फिर मैंने सारे जो मेरे ये कैप्स वगैरह थे ना इनको सबको स्प्रे कर दिया अच्छा इस बार जो है ना मैं अपने जार्स को स्प्रे नहीं कर रही हूँ उस वो उसकी वजह ये है कि मुझे सारे जो कंटेनर्स हैं ना आहिस्ता आहिस्ता ग्लास में लेकर आ जाने हैं अब जब मुझे सारे कंटेनर्स ग्लास में चाहिए ना तो मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रही हूँ बाकी रह गया ये काउंटर टॉप तो काउंटर टॉप को मैं बिल्कुल चेंज कर दूँगी यहाँ से इसकी जो सारी सेटिंग है ना ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी मुझे ये वाली सेटिंग यहाँ पर नहीं चाहिए ये वाला जो ट्रे था ना ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और सारी जगह घेरने के बाद अच्छा तो लगता था लेकिन मुझे वर्टिकल में कुछ चाहिए था तो मैंने वो अपना रैक मंगवाया था जो ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी आपको दिखाया अभी सबसे पहले मैं यहाँ से सारे मसाला जार्स जो हैं उनको खाली करूँगी और इन सबको मैं वॉश करने के लिए निकाल लूँगी ताकि ये सब वॉश हो जाएं और जितने भी यहाँ पर ये प्लांट्स वग़ैरह जो आर्टिफिशियल लगे हुए हैं सब निकाल कर सबसे पहले इनको वॉश करूँगी और ये जो खिड़की आप सामने देख रहे हैं ना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है इसको मैं देख देख कर हल्कान होती थी और इसके ऊपर मैंने पत्ते ये वाले लगा दिए थे लेकिन अभी मैंने इनको निकाल दिया और ये वाले स्टिकर मैंने ख़ास तौर से इस खिड़की के लिए मंगवाए थे मुझे इसको यहाँ से बंद कर देना है बिल्कुल क्योंकि इसके आगे से तो ये साफ़ हो जाती है पीछे डक्ट है और डक्ट में जाकर मैं साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि डक्ट बिल्कुल क्लोज है वहाँ पर जाने का रास्ता ही नहीं है तो बस मैंने ये स्टिकर इसी वजह से मंगवाए थे ज़्यादातर लेकिन मेरा ख़दशा ये था के स्टिकर्स जो है ना लगने के बाद पता नहीं कैसे लगेंगे और ये लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे इनकी क्वालिटी मुझे देखने से इतनी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन आप यकीन करें जब मैंने इनको लगाना स्टार्ट किया ना तो मुझे अंदाज़ा होता चला गया कि ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने मंगवाई है और मैंने इनको सेट करके जब थोड़ा सा एक जो चौथा वाला है ना उसको काटना भी पड़ा मुझे लेकिन जब मैंने इनको अरेंज करके लगाया ना तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है भी आपके सामने है और आप खुद बताइए कमेंट करके कि ये जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है खिड़की को वो कैसा लग रहा है फिर इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा डी की तरफ कुछ डी भी तो बनता है ना तो ये मेरे पास एक रोज़ का प्लांट था जो बिल्कुल मर गया था तो मैंने इसकी जो शाख है ना वो संभाल के रख ली थी इसको भी मैंने स्प्रे पेंट कर दिया था शाम में ही और फिर इसके बाद जो है ना थोड़ा सा डिया करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया आ, प्लास्टर ऑफ पैरिस तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून और इसको मैं मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी अब मेरे पास एक जो है ना मग टाइप का रखा हुआ है रखा हुआ नहीं है आ, ये मग मैं जो है ना मांग के लेकर आई हूँ मुझे इतना पसंद आया था तो मेरी बहन के पास ये था अब मैंने जब अपनी बहन से कहा ना कि मुझे इतना पसंद है ये मुझे ये चाहिए तो मेरी बहन ने कहा ये तुम ले जाओ क्योंकि ये तो बहुत पुराना है मैंने कहाँ से लिया है कब लिया है मुझे ये नहीं पता तो मैंने उससे ये ले लिया <laughs> क्योंकि बहनों का ऐसा चलता है ना कि कोई चीज़ आपको पसंद आ रहा है तो आपने ले ली कोई चीज़ उसको पसंद आ रहा है तो उसने ले ली तो इसका जो है ना बदल मैं उसको दे दूँगी लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी तो उससे मैं लेकर आ गई प्लास्टर ऑफ पैरिस को मैंने अंदर डाल के और फिर अपना ये पुश इसके अंदर डाला और इसको छोड़ दिया था चिमटा लगा के थोड़ा सा स्टेबल करके पेड़ रह जाती है ये चूल्हे की सफ़ाई और दीवारों की सफाई तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी ये सब चीज़ें मैंने की दीवारें साफ़ की तकरीबन 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 मुझे ये काम करने में ना एक घंटा लग गया था क्योंकि सारी सफाई के अंदर ना चिमनी भी आ जाती है और फिर ये पीछे वाली वॉल भी आ जाती है ये सब चीज़ें आ जाती हैं ये सारा काम जो है ना मैंने रात में ही कर लिया था क्योंकि सुबह में जो मसाला जार्स को फिल करने वाला काम है और उसके अलावा जो दूसरे काम हैं ऊपर से जो कैबिनेट को साफ़ करने वाला फाइनल टच देने वाला काम ये सब मुझे सुबह में करना था क्योंकि किचन को साफ़ करने के लिए ना आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है और मेरे पास जो है ना सिर्फ रात का टाइम होता है ये काम करने के लिए और सुबह का टाइम होता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं होता है दिन वाला जो टाइम होता है ना मेरा बहुत बिजी होता है तो मैंने ये टाइम अपने लिए चूज़ किया था इस काम के लिए फिर अब देखें यहाँ पे मैंने जो मेरी वॉल थी उसको अच्छी तरह से साफ़ किया इस पर आपको एक स्टिकर जो नज़र आ रहा है ना माय किचन माय रूल वाला पहले मैंने सोचा था कि इसको निकाल दूँ लेकिन ये इतना अच्छा स्टिक हुआ हुआ है और लगा हुआ भी अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि इसको निकालते नहीं है ये जो मैंने नए स्टिकर्स मंगवाए ना इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इसके नीचे एक बॉर्डर सा बना देती हूँ ये खूबसूरत लगेगा मैंने ये सोचा था लेकिन ये मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था अब यहाँ से जो है ना सुबह हो चुकी है सुबह में ये सारे यहाँ पर रखा हुआ है नाश्ता भी हमें बाहर से करना पड़ा है क्योंकि मैंने जो किचन का हाल करके रखा हुआ था सब कुछ बिखरा हुआ सारी जो मेरे डिकोर आइटम्स थे वो यहाँ पे रखे हुए थे मैंने सब वॉश करके रखा हुआ था रात को ये भी सूखने के लिए रख दिया था इसको भी सुबह में यूज़ करना था मुझे तो बस ये सूख गया था इसको अंदर लेकर आई हूँ क्या करना है अभी आपको पता चल जाएगा तो बस अब ये मसाला जार्स मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हैं और सबको बारी बारी फिल कर दूँगी जो जो चीज़ें मुझे जहाँ जहाँ डालनी हैं और वहाँ पर डालूँगी उन सारी बड़ियों को मैंने पहले साफ़ किया अंदर से क्योंकि ये सारी रात ऐसे ही खुली रखी हुई थी तो मैंने पहले सोचा कि इनको पहले अंदर से साफ़ कर लेती हूँ कहीं हो सकता है पानी का जो है एक आध कतरा भी होगा तो मेरे मसाले को ख़राब होने का ख़तरा है तो कतरे के ख़तरे से बचने के लिए मैंने उनको पहले साफ़ किया और फिर इसके बाद जो है ना मैंने सारे मसाला जार जो है ना फिल किए सारे मसाला जार्स फ़िल तो मैं कर रही थी लेकिन जब मैं ग्लास जार्स को देख रही थी ना फिल करते करते तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि ये ग्लास जार जो मैंने है ना कहीं से परचेज़ नहीं किए हैं इसमें मेरा कोई ख़र्चा नहीं हुआ है जो जेम्स की बोतल होती हैं या चॉकलेट स्प्रेड की बोतल्स होती हैं वो सब जो खाली होती हैं ना वो संभाल कर रख रख के रख, रख रख के मैंने जमा की और जमा करने के बाद भी मेरे पास इतनी जमा नहीं हुई थी अभी तक कि मेरे सारे मसाला जार्स को मैं रिप्लेस कर सकूँ लेकिन इतनी हो गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आधा मैंने रिप्लेस कर दिया है तकरीबन आधा रिप्लेस करने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है जब मैं पूरा रिप्लेस कर दूँगी तो मुझे कितनी खुशी होगी यह आपकी है खैर ज़रा खुशियों से बाहर आते हैं और एक काम और कर लेते हैं क्योंकि मसाला जार्स के अंदर आपको स्पून्स भी चाहिए होते हैं और मुझे सब कुछ सेम चाहिए ना तो मैंने एक जो ब्रांड है ना आइसक्रीम का उसके आइसक्रीम के स्पून्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और रेड कलर के होते हैं तो मैंने ये सारे स्पून भी बहुत टाइम से जमा करके रखे हुए थे तो ये सारे स्पून भी मेरे काम में आ जाएंगे मैंने इनको थोड़ा सा गर्म किया और कैंची से काट कर सारे मसाला जार्स के अंदर ये सारे फिल कर दिए हैं ताकि जब मैं अपना कैबिनेट खोलूं और मुझे मसाला जार्स के अंदर जब मेरे पास ये स्पून रखे हुए हों बिल्कुल सेम कलर के सारे तो ये मसाला जार्स की जो लुक है ना और भी निखर कर आएगी और भी अच्छे लगेंगे ये बस अब टाइम आ गया था इनको सेट करने का तो जो मैंने हर्डल्स बना के रखे थे ना जो स्टेक्स बनाए थे इनको ताकि ये ऊपर नीचे नजर आएँ सारे पीछे छुप ना जाएं क्योंकि ये छोटी स्पेस थी मेरे पहले बड़े कैबिनेट में रखे होते थे लेकिन वो जो है ना कैबिनेट बिल्कुल उस तरफ पड़ जाता था और वीडियो बनाने में मुझे बहुत परेशानी होती थी तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था सारे मसाला चार्स को और अब मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है मैं डायरेक्ट मसाला निकालती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ वीडियो भी ईजीली बन जाता है तो ये था फाइनल लोग मेरे मसाला कैबिनेट का और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे और रिप्लेस करना है वो टाइम के साथ करती रहूँगी लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना बहुत ज़बरदस्त लग रहा है फिर आती है बारी ऑर्गेनाइजेशन की यानी जो भी मेरे डेकोर आइटम्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज़ करने थे मुझे सब जो मैंने धो के रखे थे वॉश करके रखे थे अभी फ़िलहाल इसको जो है ना मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही हूँ ये जो दीवार पर आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है ना एक ऑर्गेनाइज़र इसकी सेटिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं की ये जैसी थी मैंने इसको वैसा ही रहने दिया है फ़िलहाल जो मुझे चेंज करना था अपना काउंटर टॉप चेंज करना था सारी प्रायोरिटी वहीं जा रही थी मेरी तो बस मैंने यहाँ पर जो मेरे चीनी के और नमक के जार से वो मैंने फिल किए पत्ती वाला जो जार है नमक चीनी और पत्ती तीनों चीज़ें मैं साथ रखती हूँ क्योंकि तीनों चीज़ें ना किसी भी वक्त हमें चाहिए होती है तो ये चीज़ें सामने हैंडी होनी चाहिए है। तो मैं इनको हैंडी रखती हूँ है। और सारे मसाला जो मेरे जार्स हैं ये वाले इनको भी ये सारा ऑर्गेनाइज़र में लगा कर और सामने ही रखती हूँ ताकि जब मैं पका रही हूँ तो ये जो मेन मसाले हैं ना मुझे सामने ही नज़र आएँ और सामने ही मिल जाएँ तो जो मेन मसाले हैं वो मेरे इसी के अंदर होते हैं अब ये ऑर्गेनाइज़र देखें आप ये मैं यहाँ भी रख सकती हूँ यहाँ भी रख सकती हूँ यहाँ भी रख सकती हूँ सब जगह लगा लगा कर देख रही थी और खुश हो रही थी क्योंकि इतनी सारी स्पेस जो है ना वर्टिकल इसके वर्टिकल होने की वजह से बच रही है ये वो मोमेंट है जिसके लिए मैंने इतना इंतज़ार किया और इतनी सारी चीज़ें जमा कीं इसके लिए और अब ये मोमेंट जो है ना बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच गया है जिसका मुझे इंतज़ार था और मैंने इसके लिए जो है ना इतना खर्चा भी किया है ज़ाहिर सी बात है मैंने खर्चा भी किया है भाई और जब तक हम खर्चा नहीं करते ना तब तक ये वाला लुक हमें नहीं मिलता है खैर मैंने कोई फ़ालतू खर्चा नहीं किया है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी और इंतहा की हद तक ज़रूरत थी तो खर्चा तो बनता है वैसे डी आई वाई आपको कैसा लग रहा है अभी तो इसको बनना है और बनने के बाद आपको मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है मेरे पास जो ये यहाँ पर विंडो पे से ये बेल उतरी थी ना मनी प्लांट की ये आर्टिफिशियल बेल है मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ इसकी शाखों के अंदर पिरो पिरो के ताकि इसके ऊपर है ना एक एस्थेटिक सा लुक आए जब मैं वीडियो बनाऊँ या जब मैं कोई भी शूट करूँ यहाँ पर अपने काउंटर टॉप पर तो इसका लुक जो है ना बहुत अच्छा सा आना चाहिए तो बस इसको सेट कर रही थी मैंने शाखों में पो पिरो क्यों कोई मुझे टेप यूज़ करना नहीं पड़ा है कोई ग्लू यूज़ करना नहीं पड़ा है ये जो इसकी नेचुरल शाखे हैं ना इन्होंने इतनी अच्छी तरह से होल्ड कर लिया था मेरे मनी प्लांट को कि बस मैं इसको रोल करती चली गई फोल्ड करती चली गई और ये आराम से इसके ऊपर जो है ना हैंग हो गया था तो बस बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाऊंगी इतना लगाऊंगी कि बस ओवर ना लगे अच्छा लगे ओवर ना लगे तो बस जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने लगा के काट लिया और जो बच गया है ना वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से यूज़ हो जाएगा मैं किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती हूँ जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना मेरे पास वो मैं संभाल के रखती हूँ और फिर कभी ना कभी निकाल के उनको यूज़ कर लेती हूँ ये था काउंटर टॉप का एक साइड अब आ जाते हैं दूसरी साइड दूसरी साइड को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ये दो ज़रूरत की चीज़ें हैंग कर दी हैं जिसमें ग्लव है एक जो है ना होल्डर है जो बाउल होल्डर होता है वो और फिर इसके बाद जो है ना ये मैंने कुछ और मंगवाए हुए थे ये मौसमी कहते हैं इसको आम जबान में माल्टा भी कहते हैं वो मैंने मंगवा मुझे डाल देने हैं इस ऑर्गेनाइज़र में और इसको जो है ना बस आप क्या कहेंगे मुझे इतना पसंद आया है ये इसका जो लुक है ना इतना प्यारा लग रहा है कि बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स ला के रख दिया करूँ रोज़ाना लेकिन ज़ाहिर है ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब चाहेंगे जब ला के रख देंगे तो खैर इसको मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है ये है मेरे किचन का फाइनल लुक बाहर से भी अभी आपको लास्ट में मैं लुक दिखाती हूँ पूरे किचन का उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अच्छा मैंने अपना हॉटपॉट भी जो था ना पुराना वाला वो भी रिप्लेस कर दिया है ये मेरा नया हॉट स्पॉट है नया तो नहीं है तकरीबन पंद्रह सोलह साल पुराना है मेरा जहेज़ का है तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी स्पेस बहुत अच्छा बन गया है मेरा यहाँ पर अब बहुत अच्छे से काम हो जाएगा दुआ में याद रखिएगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए आप लोगों से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़